हे, क्या आप ये तो गलती नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी बियर्ड में रेगुलर बालों वाला जो शैम्पू है वो तो यूज़ नहीं कर रहे हैं? कहीं जो आप रेगुलर डेली यूज़ में फेस वॉश यूज़ करते हैं फेस पे, उसको भी बियर्ड को क्लीन तो नहीं करते उससे? अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती है अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। मैं आज इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। सो गाइस, वेलकम टू माई चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, माई नेम इज़ सागर शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल डार्क लारो। तो आपको इस चैनल पे फिटनेस, ग्रूमिंग एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक इसलिए देखिएगा क्योंकि ये वीडियो शायद आपके या फिर आपके किसी दोस्त के काम आ सकता है या किसी रिलेटिव के, क्योंकि ये वीडियो आज मैं बताने वाला हूँ बियर्ड शैम्पू और रेगुलर शैम्पू जो बालों में यूज़ करते हैं या फिर आप फेस वॉश स्किन पे यूज़ कर सकते हो, वो आपकी बियर्ड पे क्या इफ़ेक्ट कर सकते हैं, क्या वो आपको लेना चाहिए या नहीं, या आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं, ये आपको इस वीडियो के एंड में जाके पता चलेगा। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि बियर्ड शैम्पू की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, उसका इम्पॉर्टेंस क्या है। इस टॉपिक में आपको मैं बताता हूँ। अब जैसे कि आप ट्रैवलिंग करते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, आपकी बियर्ड है, आप अपनी बियर्ड को पसंद करते हैं, आप उसको बहुत प्यार करते हैं, तो उसको बेबी केयर देना बहुत ज़रूरी है। अब उसका रीज़न है क्यों बियर्ड को इतनी बेबी केयर की क्यों इतनी ज़रूरत है। अब हो रहा है क्लाइमेट चेंज, विंटर्स में हम स्टेप ऑन होने वाले हैं कुछ ही टाइम में, एक दो महीने में विंटर स्टार्ट हो जाएगी अच्छी खासी। और जब विंटर पीक पे होगी ना, तब आपकी बियर्ड यहाँ से जॉ लाइन से लेके यहाँ तक सबसे ज़्यादा हो जाएगी फ्रीजी, वो हो जाएगी हार्श, रफ़ हो जाएगी। आपके बियर्ड के बाल वैसे ही, अपने जो बियर्ड के बाल होते हैं वो काफ़ी थिक भी होते हैं और चुभने वाले टाइप के होते हैं, ठीक है, हार्ड बाल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सर के बाल। तो अभी जो कैसा होता है कि हम जो हेयर शैम्पूज यूज़ करते हैं, तो उसमें कैसा होता है, हमारे बचपन से बाल आए होते हैं, हम उसमें ऑयलिंग करते हैं, अच्छी खासी चंपी करते हैं, मसाज देते हैं, हेयर मसाज देते हैं अच्छी खासी, बचपन से हमें वो मिलता आया है, तो हम या हम खुद ही कर लेते हैं, तो उससे क्या है, एक अच्छी स्कैल्प बन गई होती है, एक अच्छा न्यूट्रिशन मिल चुका होता है उसको। तो हम बालों को अब बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, अगर बाल झड़े होते तो हम उसके लिए और केयर करने लगते हैं। तो सेम वे अगर आप अपनी बियर्ड को लव करते हैं तो बियर्ड की भी केयर वैसी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि बियर्ड एक स्टाइल स्टेटमेंट है दोस्त, और एक एसेट बन गई है मेन की अट्रैक्टिव लुक में ये। तो अगर आपको इसको मेंटेन रखना है ना, तो आपको कुछ चीज़ें अपनानी होंगी, सिर्फ बियर्ड ऑयल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ऑयली ऑयल लगाते रहोगे तो बालों में भी, अगर आप तेल ही तेल लगाते हो तो आप शैम्पू करते हो ना, तो क्यों करते हो, डैंड्रफ हटाने के लिए, इचीनेस फ्रिजीनेस सब हटाने के लिए, तो वो सब करने के लिए बियर्ड में भी बहुत ज़रूरी है। अब क्यों, हेलमेट पहनते हो आप, ड्राइव करते हो बाइक पे या स्कूटी में आप जाते हो, तो फिर स्कूटी पे भी जाते हो या बाइक पे जाते हो, तो आपका आउटिंग होता है, तो आउटिंग होता है तो क्या होगा, सारी डस्ट उड़ेगी, और हाईवेज पे निकलना मतलब गारंटीड है, हेलमेट के अंदर या फिर आप ओपनली भी जाओ, अंदर डस्ट आएगी ही आएगी। आप शैम्पू यूज़ करते हो, अगर आप बोलते हो कि हेयर शैम्पू वाला, अगर आप बियर्ड में शैम्पू यूज़ करते हो, तो वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्यों, क्योंकि जो बालों में अंदर जो हम शैम्पू लगाते हैं, तो बालों का शैम्पू अगर आप इसमें लगा रहे हो, तो होगा ये कि आप यहाँ पे बचपन से जो नरिशमेंट देते आए हो ना, और यहाँ पे जो नेचुरल ऑयल्स बनते हैं हमारे हेयर्स की स्कैल्प पे, जो नेचुरल ऑयल्स बनते हैं वो अभी यहाँ पे नहीं बन रहे होते इतने, यहाँ पे टाइम लगता है। क्यों, बियर्ड अभी आपकी एक सर्टेन एज से स्टार्ट हुई, जब आपका हार्मोन लेवल बढ़ने लगे तब जाके आपकी बियर्ड आने लगी है, और बियर्ड स्टार्टिंग में थोड़ी आती है, फिर आप उसको टाइम देते हैं, नरिश करते हैं, तब जाके वो बनती है बियर्ड। तो अब इतनी बियर्ड भी अगर बन रही है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें नेचुरल ऑयल्स कम ही होंगे, हमारे सर पे जितने बाल होते हैं उससे काफ़ी कमी हमारी बियर्ड अगर हम रखते हैं, तो फिर ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ के स्कैल्प में वो नरिशमेंट, वो जो नेचुरल ऑयल से, वो इतने नहीं होते हैं। तो अगर हम ये वाले हेयर वाले शैम्पूस यहाँ लगाने लग गए बियर्ड में, तो फिर वो तो जो हैं वो भी यूँ फटाफट डिप्लीट हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम ही लगेगा उनको उड़ने में, तो वो बहुत ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि ये जो बाल जो हमारे जड़ से जुड़े हुए हैं ना, हमारी जॉ लाइन के आसपास है, तो वो तभी टिके रहेंगे अगर आप उसको केयर करेंगे। अच्छा, बियर्ड शैम्पू, पहले तो मैं बताता हूँ कि फेस वॉश अगर आप यूज़ करते हो, अभी जैसे हेयर शैम्पू को बताया फेस वॉश, अगर आप फेस वॉश यहाँ यूज़ करो, सोच रहे हो कि आप मैं इससे भी रगड़ दूँ, तो नहीं भाई,
हर स्किन का लेयर का, हर स्कैल्प का एक अलग पीएच बैलेंस होता है। हमारे स्किन अगर सहन कर सकती है तो वो उस हिसाब से बनाए गए हैं। बेबी केयर बोला है तो बहुत सोच समझ के वर्ड बोल रहा हूँ, तभी यहाँ पे सिर्फ इसके लिए एक अलग ही मार्केट बन चुका है बियर्ड का, जिसमें एक बियर्ड शैम्पू होता है। तो इसलिए बियर्ड शैम्पू लगाना ज़रूरी है। आपकी बियर्ड में फ्रिजीनेस, इचीनेस, डेली रूटीन में जो आप ट्रैवलिंग करते हैं तो उसकी वजह से जो केमिकल लोड सारा यहाँ जमा हो जाता है, क्लॉट हो जाता है वो, और डैंड्रफ के इश्यूज अब विंटर्स में लोगों को आएंगे। अब ये मेरे को सजेशंस आए इसलिए मैंने इसलिए बनाया वीडियो। डैंड्रफ इश्यूज होंगे अगर आप डार्क कलर के पहन रहे हो और ऑफिस में जा रहे हैं, किसी से भी मिल रहे हैं और आपने ऐसा किया, तो वो झड़ेगा और बहुत बुरी तरह से झड़ता है, तो वो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है और हमारा भी कॉन्फिडेंस थोड़ा उस वजह से थोड़ा डाउन हो जाता है कि ऐसा क्यों, क्योंकि हमें नहीं अच्छा लगता ना। तो बियर्ड शैम्पू ये सब क्लीन करता है और आपकी बियर्ड को एक वेवी लुक देता है, रिलैक्स लुक देता है, बहुत ही स्मूथ देता है टेक्सचर, आपके शाइन प्रोवाइड करता है। और लॉन्ग टर्म में जो डैमेज होने वाला है, ग्रेश हो जाती है बियर्ड या फिर वाइटिश होने लगते हैं बाल, धीमे धीमे आएंगे एक समय पे, तो वो कम होगा, वो देर से होगा, एक सर्टेन एज पे जब आपको लगेगा कि ठीक है अब एज हो रही है तब उस हिसाब से होगा। तो इसलिए बियर्ड शैम्पू बहुत बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ बियर्ड शैम्पूस ऐसे हैं, मैं इसमें आपको वीडियो में दिखाऊंगा आगे, 10 ऐसे मैंने सिलेक्ट करे हैं जो एक अच्छे बियर्ड शैम्पू को फुलफिल करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर है। तो एक अच्छे बियर्ड शैम्पू की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, कि वो सल्फेट फ्री होने चाहिए, पैराबेन फ्री होने चाहिए, ठीक है, बजटेड होने चाहिए। प्लस दूसरी बात कि उनसे यूज़ करने से आपको कोई भी स्किन टाइप वाले को कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आने चाहिए, और हर क्लाइमेट के हिसाब से वो बने हुए हैं और ऐसे टेस्टेड है। तो ये मेरी कुछ सर्टेन 10 लिस्ट है, तो आप उसको ज़रूर देखिए। तो गाइस, अब आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट कि बियर्ड शैम्पू और रेगुलर शैम्पू में डिफरेंस क्या होता है, या फिर आप फेस वॉश लगाते हैं अपने बियर्ड पे तो उसका क्या एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश करी आपको बताने की। तो अगर आपके कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दें, या फिर आप किसी और चीज़ पे नया वीडियो देखना चाहते हैं या आपकी कोई विश है तो मैं उस पे बनाऊंगा। तो जो भी है आप प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।